तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हना ओआई और अतोड़ी के लव स्टोरी में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हतोरी को देखते हैं, जो ये बात सोचकर बहुत ही ज्यादा उसे अजीब फील हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है मुझे। जब उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था तो उस समय ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, बट पता नहीं ये आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। फिर वो अपना हाथ उठाकर उसके दिल को टच करती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज धड़क रही होती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। कहीं मैंने किस वाली बात इसे कहकर कहीं बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं इसे अजीब तो नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों जब भी ये मेरे साथ रहता है तो ये अजीब सा ही फील करता है। पता नहीं इसको ऐसी फीलिंग क्यों आती है मेरे लिए। क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता या फिर इसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। हम देखते हैं हना ओआई को, जो उसके होठों को टच कर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि हना ओआई कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, रियली लाइक यू। फिर हना ओआई जो होता है उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हथौड़ी जो होती है अपनी आँखों को बंद कर लेती है। हना ओआई जो है वो किस करके साइड में लेट जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हथौड़ी भी डर जाती है और वो भागते हुए जाती है फ़ोन के पास। वो जो है यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को कॉल करने वाली है ताकि वो यहाँ पर आ जाएं और उसकी हेल्प करें। हथौड़ी यहाँ मन में यही सोचती है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी और उसे बोल दिया किस करने को। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि चलो खाना खाने का टाइम हो गया है, बट वो कहती है कि नहीं मुझे खाने का मन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो खाना वेस्ट हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। फिर वो खाना खाने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि हथौड़ी जो होती है वो लिख रही होती है मैसेज। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। और साथ में वो उस डायरी को देखती है जहाँ पर वो लिखा होता है कि हथौड़ी जो है यहाँ पर क्रिसमस उसके साथ ही मनाएगी, हनोई के साथ। जब वो लंच कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर तब वो ये डिसाइड करते हैं। साथ में वो अपनी बहन के बारे में भी बताती है जो कि बर्फ़ के ऊपर डांस करती है, और वो कहती है कि मैं जो हूँ क्रिसमस के दिन उसका डांस भी देखने के लिए जाऊंगी। और वो दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जो है उस दिन डेट के लिए भी जाएंगे। बट वो अब बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है क्योंकि उसने किस वाली बात कहकर उसे उसकी तबीयत ख़राब कर दी थी, और वो बहुत ही बुरा बुरा अपने बारे में ही सोच रही होती है। हम देखते हैं कि वो जो है अपनी बहन के साथ बात भी नहीं कर रही होती है ढंग से। उसकी बहन कहती है कि मैं क्रिसमस के लिए जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, बट वो नहीं जाती है और यहीं पर रोने लग जाती है। वो यही बात सोच रही है कि कहीं उसका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। वो सोचती है कि मैं कम से कम कॉल तो कर लूं, बट वो कॉल करती है बट इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर होतारू जो है अपनी बहन के पास चली जाती है। वो कहती है कि मैं लेट हो गई, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। उसकी छोटी बहन डांस करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है, वो अब डांस करने वाली है। उसके मॉम और डैड ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी मॉम अपनी होतारू से बात कर रही होती है कि तुम जो हो डिनर के लिए नहीं आई थी। यहाँ पर वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो अपने फ़ोन को देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे मिस कॉल आए होते हैं हना ओआई के। फिर वो जो है उस मिस कॉल को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने रियलाइज़ नहीं किया था कि ये फ़ोन कब आया। फिर हम देखते हैं जब वो फ़ोन उठा लेती है तो यहाँ हना ओआई कहता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर हम देखते हैं कि हना ओआई उसके पीछे ही आ जाता है। हना ओआई को पता होता है क्योंकि जब वो डेट का प्लान कर रहे थे तब उसने बताया था कि उसकी बहन जो है डांस करने वाली है, और डांस करने की जगह पूरे शहर में यही है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि हथौड़ी भी यहीं पर होगी। यही बात यहाँ पर वो हथौड़ी से
बताता है और साथ में ये भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है तुम्हारे रिप्लाई नहीं किया उस वक्त, और उस वक्त मैं बीमार भी हो गया। बट यहाँ हथौड़ी कहती है कि मुझे भी माफ़ कर दो क्योंकि मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी। ये दोनों एक दूसरे से ही माफ़ी मांगने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर हनाओया ही कहता है कि यही बात तो मुझे तुम्हारे अंदर पसंद है, तुम्हें से जो भी गलती होती है तुम उसके लिए माफ़ी मांग लेती हो, और कोई भी चीज़ नया ट्राई करना हो तो तुम जो हो ट्राई कर लेती हो। और दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हनाओया होता है वो भी माफ़ी मांगता है और जो हमारी हथौड़ी होती है वो भी माफ़ी मांगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि अब हमारे डेट का क्या होगा। हनाओया जो होता है वो पहले ही डेट का प्लान करके आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉमिस करने के लिए वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है उसके हाथों के पास, बट वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि मैं बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे हाथों को टच नहीं करूँगा। ये सुनकर यहाँ पर हथौड़ी जो होती है वो बहुत ही अच्छा लगता है उसे, और उसकी स्माइल को देख कर यहाँ पर हनाओयाई को भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि वो जा रहे होते हैं अपने डेट पर। यहाँ पर हथौड़ी कहती है कि जब तुमने मेरे मॉम डैड से बात किया तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे, बट तुमने जो है सीधा सीधा उन्हें बोल दिया कि तुम जो हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हनाओया ही कहता है कि अभी तुमने देखा ही कहाँ है, इस दिन को मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला हूँ। हथौड़ी उसके बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर खाने के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे होते हैं और खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों यहीं पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर पार्क के अंदर कुछ गेम को भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाते हैं, बट रास्ते में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हनाओया होता है वो कहता है कि चलो हम लोग बर्फ़ के ऊपर चलते हैं, बट यहाँ पर हथौड़ी कहती है कि नहीं, उसके ऊपर मैं नहीं चल सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि हनाओया जो होता है उसे लेकर चला जाता है, वो उसके हाथों को पकड़ता है और उसे चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। यहाँ पर उसके आंखों में देखने के बाद वो दोबारा ट्राई करती है कि चलो मैं एक बार दोबारा से ट्राई करती हूँ, और फिर वो दोनों जो है धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हथौड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पूछती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। यहाँ पर वो कहता है इसी वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर आ गई जबकि तुम्हें यहाँ पर आना भी नहीं था, तुम मेरे लिए आई हो और इसीलिए मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी क्वालिटी तो किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर भी होती हैं, ऐसा हथौड़ी कहती है। बट हम देखते हैं हनाओया यहाँ पर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। यहाँ पर हनाओया को पहले से ही पता होता है कि आज के दिन उसका बर्थडे होने वाला है। ये बात वो किसी से नहीं बताती, फिर भी यहाँ पर हनाओया को पता होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, मुझे डर लग रहा है, बट वो उसे नीचे उतारता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लाइट गई होती है वो एकदम से आ जाती है और वो फिर उसे हग कर लेती है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो लेट डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं जॉब करने के लिए किसी और सिटी के अंदर आया हूँ और अभी अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है तो ये पहला वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।